अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। मेरा नाम साद फारूक है और मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 3D मॉडलिंग होती क्या है और मेजर कितने तरीके की 3D मॉडलिंग मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3D मॉडल बेसिकली 3D डिज़ाइनिंग होती है। हम डिज़ाइन करके वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो 3 डायमेंशन से देख सकें, और वो 3D मॉडल दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होते हैं, चाहे वो 3D प्रिंट हो, गेम्स हो या मूवीज़। इन सब चीज़ों में 3D मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अगर ज्वेलरी बनानी है तो कंप्यूटर की हेल्प से उसका मॉडल बना के 3D प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको अगर गेम बनानी है तो गेम के अंदर जो भी आप देखते हैं, एनवायरमेंट से लेके कार्स, प्लेन, एक्सप्लोजन, वो सब 3D मॉडलिंग कहलाती हैं। और इवन इन मूवीज़ लाइक एजॉक करेक्टर हॉबिट मूवी का कम्प्लीटली 3D मॉडल था, या ड्रैगन आप देख लें उस मूवी के अंदर। कहने का मकसद ये है कि 3D मॉडलिंग पे अब हर इंडस्ट्री डिपेंड करती है। सो शुरू करते हैं अब टाइप्स ऑफ 3D मॉडलिंग। 3 टाइप्स के 3D मॉडलिंग मौजूद हैं, नर्व्स, पॉलीगोनल मॉडलिंग और स्कल्पटिंग। सबसे पहले और मोस्ट बेसिक 3D मॉडलिंग कैड होती है, CAD, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। कैड के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मोस्टली 3D प्रिंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल पार्ट्स या ज्वेलरी। कैड मॉडलिंग बनाई जाती है नर्व्स मेथड से। नर्व्स मेथड बेसिकली क्या है और इसे किस तरह एक ऑब्जेक्ट को 3D बनाया जा सकता है। नर्व्स की फाउंडेशन कर्व से होती है जिसे पॉली सरफेस बनाई जाती है। पॉली सरफेस बेसिकली ब्रिक्स का काम करती हैं इमारत बनाने के लिए, वो ब्रिक्स पॉली सरफेस कहलाते हैं। किसी भी 3D मॉडल में पॉली सरफेसेस हर मॉडलिंग मेथड में मौजूद हैं, बस इनका तरीका अलग होता है। नर्व मॉडलिंग में पॉली सरफेस जिसको पॉलीगॉन्स भी कहते हैं वो कर्व से बनाए जाते हैं। उनको बनाने का मेथड कर्व यूज़ करके कमांड लिखी जाती है या यूज़ की जाती है जिससे वो पॉली सरफेस बनाता है। नर्व मॉडलिंग मोस्टली यूज़ की जाती है राइनोसोरस 3D में, जिससे आप एक्यूरेट 3D मॉडल बना सकते हैं। राइनोसोरस 3D मशीन पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, साथ साथ दूसरी मॉडलिंग के लिए भी लाइक एरोप्लेन शेप्स, और साथ में मेजर यूज़ होने वाला मेथड जिससे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। जी हाँ नाजरीन, ज्वेलरीज मॉडल जिनकी पाकिस्तान या इंडिया में मेजर मार्केट है, वो सब मोस्टली ज्वेलरीज अब कंप्यूटर में डिज़ाइन की जाती हैं। सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो Gemvision Matrix, जो कि स्टैंड अलोन एड ऑन है राइनोसोरस 3D का। मैं साथ साथ बताना चाहूँगा, ये कोई ट्यूटोरियल या क्लास नहीं है 3D मॉडलिंग की, तो मैं मज़ीद इन डिटेल्स में जाऊँगा नहीं। हाँ, इन फ्यूचर हम ये सब मेथड सीखेंगे। सेकेंड मॉडलिंग मेथड जो है वो है पॉलीगोनल मॉडलिंग, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए। हार्ड सरफेस से मुराद कोई भी मॉडल जो ऑर्गेनिक शेप में ना हो, लाइक कार्स, प्लेन्स, रोबोट्स। ये मेथड फास्ट है ज़्यादा कंपेयर टू नर्व, बट पॉलीगोनल मॉडलिंग मोस्टली CG इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, लाइक गेम्स, मूवीज एंड एनिमेशंस। पॉलीगोनल मॉडल बेस्ड है क्वार्ट्स एंड वर्टिसेस, अनलाइक इन नर्व्स जिसकी फाउंडेशन पॉली सरफेस की कर्व्स से होती हैं। ये मेथड काफ़ी फास्ट है, इसलिए कॉम्प्लेक्स मॉडल जिनको ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट हो, वो मॉडल्स बनाए जाते हैं लाइक गेम एसेट्स या मूवीज के मॉडल्स। वेल, पॉलीगोनल मॉडलिंग भी एक्यूरेट हो सकती है, बट इट्स टू मच वर्क एंड लोग नर्व मॉडलिंग एक्यूरेसी के लिए पसंद करते हैं एंड पॉलीगोनल मॉडलिंग को गेम या मूवी एसेट्स के लिए। थर्ड एंड फाइनल मॉडलिंग मेथड जो है वो है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग मेरे दोस्तों एक एडवांस एंड मास्टर लेवल की मॉडलिंग होती है, जिसे मास्टर करने के लिए सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स पता होना या माउस चलाना आना नहीं चाहिए। स्कल्पटिंग इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्कल्पटिंग, बट डिजिटली ये मेथड यूज़ होता है किसी भी तरह का ऑर्गेनिक शेप बनाने में, जो आप देखते हैं मूवीज एंड गेम्स में। ये सब मॉडल्स पॉसिबल हैं पॉलीगोनल मॉडलिंग में भी और नर्व मॉडलिंग में भी, लेकिन जो आपका करेक्टर 2 घंटे में बनेगा स्कल्पटिंग से, वो पॉलीगोनल या नर्व में उसको दिन या महीने तक लग सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, कौन सी मॉडलिंग आपको सीखनी चाहिए, किस में ज़्यादा स्कोप है, नेशनली और इंटरनेशनली? आंसर इज तीनों के तीनों। 3D मॉडलिंग की बहुत डिमांड है इंटरनेशनली। आजकल हर इंडस्ट्री में 3D मॉडलिंग यूज़ की जाती है, चाहे वो कोई टेक्निकल बिल्डिंग्स हो, ज्वेलरी हो या मूवीज़ या गेम्स। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बनाना क्या है और सीखना क्या है। मेरा मकसद या गोल कह लो, वो इन तीनों मॉडलिंग मेथड्स से आपको फैमिलियर कराना है। मैं जल्द क्लासेस लाने वाला हूँ। अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।